My name is Pavan and I am lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakoda. So in this lecture, we will discuss important definitions. So first of all, we have a definition of hydrological circle. The hydrological circle of the earth is the sum of total of all processes in which water moves from the land and ocean surface to the atmosphere and back in the form of precipitation. तो हाइड्रोलॉजिकल सर्कल बेसिकली एक ऐसा सर्कल होता है, ठीक है, जो हमारी धरती पर जहाँ हो वो हमारा सरफेस वाटर हो या ओशन वाटर हो, ठीक है, उसको वातावरण में लेकर आता है, ठीक है, और अगेन वो जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, रेन की सूरत में वो फिर धरती पर आ जाता है, ठीक है, उसे हम हाइड्रोलॉजिकल सर्कल बोलते हैं, ठीक है. The hydrological circle is depend on the various factors and is equal affected by ocean and land surface. जो hydrological circle रहता है, ठीक है, वो काफ़ी factors पर depend करता है, ठीक है, और ये equally affect करता है ocean water को, धरती पर जो water रहता है उसे, ठीक है. So image में आप देख सकते हो, ठीक है, सबसे पहले हमारी evaporation हो रही है, ठीक है, हमारा जो water रहता है, ठीक है, जो rain जो धरती के सरफेस पर वाटर रहता है और जो हमारा ओशन में वाटर रहता है, ठीक है, उससे उसका इवेपोरेशन होता है, ठीक है, देन वो कंडेंसेशन होती है, मतलब बादल के रूप में, मतलब बन जाता है वो, देन वो फिर प्रेसिपिटेशन रेन के तौर पर धरती पर आ जाता है. इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है. सो इसे हाइड्रोलॉजिकल सर्कल बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कैचमेंट एरिया. A catchment area is the area from which a city, service or institution attracts a population that uses its services. So catchment area basically एक ऐसा area होता है जहाँ पर एक शहर, कस्बा या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट attract करता है, जहाँ population attract करती है एक particular service के लिए, ठीक है, उसे हम catchment area बोलते हैं. For example, a school catchment area is the geographic area from which students are eligible to attend a local school. So अगर हम example देखें, अगर हम एक school का catchment area देखते हैं, ठीक है, तो वो एक graphical area होता है जहाँ पर students जो रहते हैं एक particular school को attract करते हैं, ठीक है. Next हमारे पास है runoff. Runoff is nothing more than water running off the land surface. जो runoff रहता है, ठीक है, basically जो पानी का बहना होता है एक धरती के सरफेस पर उसे बोलते हैं, ठीक है. जस्ट एज द वाटर यू वॉश योर कार विद रन्स ऑफ डाउन एंड ड्राइववे एज योर वर्क द रेन दैट मदर नेचर कवर्स द लैंडस्केप विद रन्स ऑफ डाउनहिल टू ड्यू टू ग्रेविटी. सो अगर हम देखें जो हम अपना बेसिक लाइफ में जो पानी यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे हमने कार वॉश कर ली, ठीक है, जहाँ हम अपना कोई फ्लोर साफ कर रहे हैं पानी से, ठीक है, सो वो ग्रेविटी की वजह से अपने आप ही बह जाता है, ठीक है, और जो हमारा रेन होती है, ठीक है, वो भी ग्रेविटी के हिसाब से अपने आप ड्रेन आउट हो जाती है. उसी तरह से जो हमारा हिली एरिया में रेन होती है, जहाँ बादल जो वहाँ पर बर्फ़ पड़ी होती है, वो अपने आप पिघल कर ग्रेविटी की वजह से, मतलब बह जाती है, ठीक है. सो उसे हम रन ऑफ बोल सकते हैं. रन ऑफ इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द नेचर वाटर साइकिल. सो जो रन ऑफ रहता है, ठीक है, वो वाटर साइकिल का या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है. सो ये हमारी डेफिनेशंस थी. हाइड्रोलॉजिकल सर्कल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ एरिया. इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो.